नमस्कार दोस्तों, A3 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सैमसंग की जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओरियो पर जो डिवाइस रन कर रहे हैं या जिन पर अब ओरियो अपडेट आ रहा है, वहाँ एक कमाल का फीचर मिल रहा है, लॉक स्क्रीन स्टोरेज, जहाँ पर आपके वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा इन वॉलपेपर्स की जगह पर आप अपनी गैलरी के खुद के फोटोज भी यूज कर सकते हो। तो ये फीचर आप कैसे एक्सेस करें? वैसे ये कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं है, मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, लेकिन अभी जो मैंने वीडियो अपलोड किया था गैलेक्सी J7 नेक्स्ट ओरियो वर्सेस नॉकआउट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस वीडियो पर आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो कि कैसे से एक्सेस करें, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। तो लॉक स्क्रीन स्टोरेज आपके समझ में आ गया, वॉलपेपर बस ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं और ये वॉलपेपर आपके फोन में होना हो, ये ऑटोमेटिक इंटरनेट से ही चेंज होते रहते हैं। तो एक्सेस आप इसे कैसे करोगे? होम स्क्रीन पर आप लॉन्ग प्रेस करोगे, वहां पर आपको एक ऑप्शन शो होगा विजिट का, और विजिट में जाके आपको ये गैलेक्सी एप्स वाला विजिट अपनी होम स्क्रीन पर लगाना है। यहां पर ही पहले ऑप्शन पर आपको लॉक स्क्रीन स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, और एक बार इसे एक्टिवेट करने के बाद अगर आप इस विजेट को हटा भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ये फीचर ऑटोमेटिक वर्क करता रहेगा। अगर विजेट से आप एक्सेस ना करना चाहो तो यहाँ ऊपर सेटिंग्स से ही आप इसे एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ से आप देख सकते हो कि क्या चीज़ कैसे आपको मैनेज करनी है। तो यही था मेरा वीडियो, लॉक स्क्रीन स्टोरीज कैसे एक्सेस करें। मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।